कन्हैया अपनी मैया यशोदा और बाबा आनंद से कहते हैं कि हे मैया हे बाबा मुझे जाने दीजिएगा, मैं जा करके कमल के पुष्प लेकर के अभी आता हूं। पर जाने से इनकार कर दिया, नहीं कन्हैया को जाने देते। तो कन्हैया ने इस बात की खबर अपने ग्वालों को की, और जब अपने ग्वालों को इस बात की खबर की है, सारे वे ग्वाला जो थे वहां से आए दामा के पास में। उसकी मम्मी ने गेंद बनाई थी, बहुत सुंदर थी। कन्हैया के पास में आए और कहने लगे हैं, कन्हैया चल हम चलते हैं गेंद खेलने के लिए, मेरी मम्मी ने बड़ी सुंदर सी गेंद बनाई है। कि मेरी मम्मी ने गेंदी बनाई है, चलो खेलिया वे, मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, चलो खेलिया वे। और हम उस गेंद के साथ चलते खेलने के लिए। कन्हैया ने कहा कि ठीक है चल दामा, हम चलते हैं गेंद खेलने के लिए। तो भगवान कन्हैया और वे सारे ग्वाल गेंद खेलने के लिए जाते हैं, यमुना जी पे पहुंचे। यमुना जी पे जैसे ही पहुंचे, जाकर के गेंद जब खेलने लगते यमुना जी पर, गेंद खेलते खेलते काफी देर हुई। एक बार भगवान कन्हैया ने ऐसी गेंद फेंकी है कि वे गेंद जो थी सीधा जा करके यमुना जी में गिरी। जब ये यमुना जी में गेंद गिरी है, जैसे ही तांबा ने देखा, कन्हैया का पीतांबर पकड़ के खींच के कहने लगा, हे कन्हैया मेरी गेंद ला करके दे, नहीं तो मैं तुझको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान कन्हैया कहने लगे, दामा उस सड़े चिथड़े के कपड़े की तेरी गेंद बनी थी, उस गेंद के पीछे तो मेरा पीतांबर क्यों भाड़ रहा। कि हर बोले ना कुछ मछली पर क्यों विशु खाड़े देता है, उस सड़े हुए यार चिथड़े पर पीतांबर फाड़े देता है। हे दाबा तेरे सड़े कपड़े की गेंद बनी थी, उस गेंद के पीछे मेरा पीतांबर क्यों भाड़ रहा है। चभी बात सुनी भगवान कन्हैया और दामा के बीच में झगड़ा होने लगा।
जब दोनों के बीच झगड़ा होने लगा, भगवान कन्हैया कहने लगे है कि हे दामा, तू गेंद की बात करता है, मैं तेरी गेंद चाहे जहां कहीं भी होगी मैं ला करके तुझे अवश्य दूंगा। दामा कन्हैया से झगड़ा करता और कहता है, कन्हैया तू सिर्फ मुझसे ही लड़ाई कर ले, मुझसे झगड़ा कर ले, मेरी गेंद तूने यमुना जी में फेंक दी जहां कोई नहीं जा सकता क्योंकि कालिया नाग रहता है, यदि भी डस लेता तो वही मर जाता है और कंस से तू नहीं जीत पाएगा। अगर इतनी तेरी अंदर क्षमता होती अगर तो उस कंस को अब तक मार आता। भगवान कन्हैया कहने लगे है, सुन रामा, आज भगवान कन्हैया बोले हैं कि हे दामा, किले फूल फूल चिल्लाता है वो फूल ही तोड़ी कर लाऊंगा, वो पाताली लोक में भी होगी तो गेंद खोज कर लाऊंगा। तो गेंद खोज करके ला करके तेरी अवश्य में दूंगा। इतना कह करके भगवान कन्हैया वहां से चले और कदम का वृक्ष खड़ा था, उस वृक्ष पर भगवान चढ़ गए और जैसे यमुना जी में छलांग लगाई, यमुना जी में कूद गए, सारे ग्वाला रोने लगे, कहने लगे हे दुष्ट दामा तूने ये क्या किया, अरे मेरे कन्हैया को यमुना जी में कुदा दिया, अब तो कालिया नाग से जीवित नहीं छोड़ेगा। इधर भगवान कन्हैया तो धीरे धीरे जाने लगे जहां वे कालिया नाग सो रहा है, और इधर वक्त तो देखते सारे ग्वाला दौड़ते हुए मैया के पास गए कि जाके आखिर मैया बाबा को बता दूं कि कन्हैया यमुना जी में कूद गया है, कालिया नाग से जीवित नहीं छोड़ेगा। सारे ग्वाला गए और जाकर के कहा हे मैया, हे बाबा, इस दुष्ट दामा ने उस गेंद के पीछे मेरे कन्हैया को यमुना जी में कुदा दिया है, वहां पर कालिया नाग रहता वो मेरे कन्हैया को जीवित नहीं छोड़ेगा। सारे वे ग्वाला ने जब ये बात सुनी है मैया यशोदा बाबा नंद वालों की तो आज रोने लगे, तोड़ पड़े वहां से मैया रोती गिरती हुई यमुना जी पे आती है, रोने लगी, सभी ब्रजवासी रोने लगे कि यशोदा चिल्लाई धाड़ मार ओ मेरे छैया कहाँ गए। Hey।